Welcome artists. Welcome to Artist for an Artist podcast. Today's guest is Kegs Art. Welcome Kegs to the podcast. Thank you. So our first question. I'm good, man. Actually, many of you don't know, but Kegs was one of the artists who saved me from quitting art. Yes. And बहुत पहले 2020 का लॉकडाउन है ना वो आता है 2021 कोविड सेकंड वेव. सो कैक्स, टेल अस अबाउट योरसेल्फ. मेरे बारे में मुझे ही नहीं पता मैं कैसे आर्ट में घुसा. बचपन से ही आर्ट में इंटरेस्ट था तो मैं ड्राइंग करता था, पर कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं आर्ट में इतना डेडिकेट कर दूंगा खुद को या फिर इतना ज्यादा ड्राइंग्स करूंगा, ऐसा कभी सोचा नहीं था. जब छोटा था तभी सोचा था डॉक्टर इंजीनियरिंग, वो सब लोग बोलते थे इसके लिए वो सोचा था. तब बाद में समझा कि नहीं ऐसा नहीं, वो बोलते तो नहीं करना चाहिए हम लोग को, जो खुद को पसंद है वो करने चाहिए. और आर्ट तो पहले से बहुत पसंद था. 2020 के लॉकडाउन में मैं फुल फोर्स में स्टार्ट किया, मेरा यूट्यूब चैनल भी तभी मैंने स्टार्ट किया था टैग्स का. फिर बाद में एक एक वीडियो डालते गए 100 डेज ऑफ चैलेंज किया स्केचिंग का. उसके बाद में इंस्टा पे भी बहुत सारे ड्राइंग्स बने, दोस्त बहुत सारे आर्टिस्ट फ्रेंड्स भी बने. वैसे अभी चल रहा है मेरा 12th हो गया अभी जस्ट, और उसके बाद भी मैं अभी डिजाइनिंग में करियर कर रहा हूँ, एनिमेशन एंड गेम डेवलपमेंट में. एंड What are your tools you use to draw? Tools तो अभी सबसे पहले पेंसिल, में से कोई मैकेनिकल पेंसिल और ऐसे फैंसी पेंसिल यूज नहीं करता हूँ, वो सादी अप्सरा की पेंसिल, तो HB पेंसिल और वो आते हैं वो मैं यूज करता हूँ. उसमें इतना बिलीव नहीं करता हूँ कि महंगे पेंसिल से ड्रॉ करें तो अच्छे बनेगा, अपने स्किल्स पे पूरा डिपेंडेंट है. इरेजर भी मेरे पास सादे ही अप्सरा के, कोई ऐसा महंगे स्ट्रेटलर वेटलर के इरेजर है नहीं, और ये भी तो फ्री में मिले हुए मेरे पास एक था, पर सेम ही काम करते सब इरेजर उसका इतना कुछ. फिर वो इरेजर एक इलेक्ट्रिकल इरेजर भी आते हैं, वो भी मतलब वेस्ट ऑफ मनी है, ऐसा कुछ जरूरत तो रहती है, कुछ जरूर रही है. उसके बाद फाइन लाइनर की बात करें तो मैं पहले तो सोचा था कि मार्कर से करूंगा, पर मार्कर काम नहीं करता अच्छे से, वही नहीं होता. तभी फिर मैं सोचा थोड़ा पैसा डाल के अच्छे फाइन लाइनर्स लेते हैं. अभी मैं मेरा दो ऑप्शन, एक तो माइक्रॉन्स नहीं तो यूनिपेन, मैंने दोनों ट्राई किया और मुझे पर्सनली यूनिपेन के फाइन लाइनर ज्यादा अच्छे लगे, तो अभी तो मैं वही यूज करता हूँ. पूरा सेट खरीद के रखा है 0.3 से 1 mm तक है, इसका वो सेट यूज करता हूँ. फिर मार्कर्स में बोले तो मेरा अल्कोहल मार्कर्स में तो टचपूल है और कॉपिक्स है. कॉपिक्स के ज्यादा है, हाँ कॉपिक्स के वो मुझे ट्राई करने के इसके लिए मैंने खरीद लिया. ओवर प्राइस है पर वर्थ है, उसका जो ब्रश टिप था तो बहुत अच्छा, बहुत स्मूथ है. और बाकी के तो टचपूल है ओहू तो सेम ही, मेरे हिसाब से सेम ही रहते हैं, इतना फर्क नहीं है. लेकिन ब्रश टिप कॉपिक से थोड़ा नियर है. ओहू ब्रश टिप क्या नियर है? ओहू ब्रश टिप का मैंने ब्रश टिप यूज नहीं किया अब तक, तो मुझे आइडिया नहीं है, मुझे लेना है वो. पर जब तक मेरे टचपूल खत्म नहीं होंगे मैं लूंगा नहीं, क्योंकि 100 शेड्स मेरे पास ऑलरेडी है टचपूल. और फिर बाद में पोस्टर्स है मेरे पास, पोस्टर्स के 15 शेड्स में यूज करता हूँ, और वो ज्यादा मुझे इतने अच्छे नहीं लगे उसके जो कलर जो लोग देते हैं. अच्छा जो पोस्का के पेस्टल शेड्स है वो भी है मेरे पास, वो ज़्यादा मुझे अच्छे लगे तो पोस्का यूज़ करता हूँ. फिर ये मैं अपने एक्रेलिक मार्कर्स में बोल रहा हूँ. फिर ब्रूस्टो के भी एक्रेलिक मार्कर्स यूज करता हूँ और ओहू के भी एक्रेलिक मार्कर्स यूज करता हूँ. इन तीनों में बेस्ट बोलूँ तो मुझे ओहू के लगे, क्योंकि उसका प्राइस बहुत कम है और ज़्यादा शेड्स मिलते हैं, 48 शेड्स मिलते हैं. और उसका एक्चुअली में अच्छा है पर वो वाटरप्रूफ तो है नहीं, निकल जाते हैं उसका, सबको लगता है वाटरप्रूफ है पर है नहीं एक्चुअल में वाटरप्रूफ, और ओवर प्राइस है. फिर से इंडिया में इंपोर्ट होता है तो प्राइस बढ़ती है उसकी नेचुरली. पेपर भी मैं 140 GSM का यूज करता हूँ, कुछ मैंने कभी 300 GSM और इतना यूज नहीं किया है, क्योंकि 140 से मेरा काम हो जाता है तो मैं वही यूज कर जाता हूँ. यही मेरे थोड़े टूल्स है मैं तो यूज करता हूँ. And what about your filming equipments? हाँ, filming equipments तो बहुत सारे, उसमें मैंने invest भी बहुत किया है. सबसे पहले मैंने जब YouTube start किया था मैंने सोचा था कैमरा ले लूँ,
और कैमरा जो मुझे प्राइस में मिल रहा था, मेरा बजट था 40,000 तक। इसमें कैनन का 150D शायद कोई एक ऑप्शन में था, 200D महंगा था 40,000 से। तो फिर मैं सोचा कैनन का वो लेने से अच्छा मैं एक फोन ले लेता हूँ जिसका कैमरा अच्छा रहेगा। और फोन से आईफोन मेरे ऑप्शन में था, पर आईफोन में तभी 11 था ऑप्शन में, और उसमें वाइड एंगल नहीं था। तो फिर मैं सोचा मुझे वाइड एंगल चाहिए। और तभी फिर वन प्लस का 70 आया था, तो 70 मुझे सच में अच्छा लगा था। और कैमरा मैंने उसका देखा था, बहुत रिव्यूज तो अच्छे लगे, तो कैमरा के लिए मैंने वन प्लस खरीदा। क्योंकि उससे मैं इंस्टा यूज कर सकते थे, फोन पे भी एडिट कर सकता था कुछ, लाइट रूम और जो मैं यूज करता हूँ सॉफ्टवेयर वो फोन पे भी काम करते थे। तो मैं सोचा फोन में डालना बेटर है, कैमरा बाद में कभी अच्छा सोनी का देख लेंगे। फिर लैपटॉप मेरे पास लेनोवो का है, तो मैं जल्दी मैकबुक पे शिफ्ट होने वाला हूँ बहुत जल्दी। गेमिंग के लिए इतना अच्छा नहीं है, मतलब 8GB रैम है पर वो लैग तो करता ही है कोई भी। एडिटिंग करनी है तो मैकबुक चाहिए है, बेस्ट एडिटिंग के लिए मैकबुक की जरूरत रहती है। उसमें लेकिन पीसी हो तो ठीक है, लेकिन पीसी हो तो भी ठीक है। पीसी में भी मैंने यूज किया, वो पीसी में उसका तेरा बहुत हाई एंड स्पेक चाहिए, और जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है वो सॉफ्टवेयर के साथ इतना, मतलब अभी फाइनल कट प्रो जो एप्पल खुद बनाता है वो मैकबुक पे बहुत अच्छे से काम करता है, वैसा सीन है। इसके लिए मैं फाइनल कट प्रो ही मोस्टली यूज करना, कभी 300 GSM और इतना यूज नहीं किया क्योंकि 140 से मेरा काम हो जाता है, तो मैं वही यूज करते आता हूँ। यही मेरे थोड़े टूल्स है मैं जो यूज करता हूँ। एंड व्हाट अबाउट योर फिल्मिंग इक्विपमेंट्स? हाँ, फिल्मिंग इक्विपमेंट्स तो बहुत सारे, उस पर मैंने इन्वेस्ट भी बहुत किया है। सबसे पहले मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट किया था, मैंने सोचा था कैमरा ले लूँ, पर कैमरा जो मुझे प्राइस में मिल रहा था, मेरा बजट था 40,000 तक। इसमें कैनन का 150D शायद कोई एक ऑप्शन में था, 200D महंगा था 40,000 से। तो फिर मैं सोचा कैनन का वो लेने से अच्छा मैं एक फ़ोन ले लेता हूँ जिसका कैमरा अच्छा रहेगा। और फोन से आईफोन मेरे ऑप्शन में था, पर आईफोन में तभी 11 था ऑप्शन में, और उसमें वाइड एंगल नहीं था। तो फिर मैं सोचा मुझे वाइड एंगल चाहिए। और तभी फिर वन प्लस का 70 आया था, तो 70 मुझे सच में अच्छा लगा था। और कैमरा मैंने उसका देखा था, बहुत रिव्यूज तो अच्छे लगे, तो कैमरा के लिए मैंने वन प्लस खरीदा। क्योंकि उससे मैं इंस्टा यूज कर सकते थे, फोन पे भी एडिट कर सकता था कुछ, लाइट रूम और जो मैं यूज करता हूँ सॉफ्टवेयर वो फोन पे भी काम करते थे। तो मैं सोचा फोन में डालना बेटर है, कैमरा बाद में कभी अच्छा सोनी का देख लेंगे। फिर लैपटॉप मेरे पास लेनोवो का है, तो मैं जल्दी मैकबुक पे शिफ्ट होने वाला हूँ बहुत जल्दी। लेनोवो का क्योंकि गेमिंग के लिए इतना अच्छा नहीं है, मतलब 8GB रैम है पर वो लैग तो करता ही है कोई भी। एडिटिंग करनी है तो मैकबुक चाहिए है, बेस्ट एडिटिंग के लिए मैकबुक की जरूरत रहती है। उसमें सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे से ठीक है, लेकिन पीसी हो तो भी ठीक है। वो पीसी में भी मैंने यूज किया, वो पीसी में उसका तेरा बहुत हाई एंड स्पेक चाहिए, और जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है इसके सॉफ्टवेयर के साथ इतना, मतलब अभी फाइनल कट प्रो जो एप्पल खुद बनाते हैं वो मैकबुक पे बहुत अच्छे से काम करता है, वैसा सीन है। इसके लिए मैं फाइनल कट प्रो ही मोस्टली यूज करना, तो इसके लिए मैं मैकबुक देख रहा हूँ। फिर लाइटिंग में बोल तो मेरे पास रिंग लाइट्स है RGB वाली, और पैनल लाइट्स भी है, प्लस ऊपर से स्टूडियो में भी मैंने लाइटिंग अच्छी करके रखी है। लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है वीडियो में, अगर तुम्हारे पास इतना भी अच्छा कैमरा हो पर लाइटिंग अच्छी नहीं है तो वीडियो अच्छा आने ही नहीं वाला है, तो लाइटिंग सच में इम्पोर्टेंट रहती है। फिर जो ट्राईपॉड मेरे पास 3 है, अमेजोन बेसिस के ही है, ज़्यादा कोई महंगे फैंसी वाले है नहीं ट्राईपॉड। और गिम्बल है, DJI Osmo 3 शायद, वो गिम्बल से मैं सब मूविंग शॉट्स और लेता हूँ, और जो भी स्टेबलाइज वाले शॉट्स रहते हैं वीडियो में उससे। एडिटिंग के लिए फिलहाल तो मैं फिल्मोरा यूज करता हूँ, पर जल्दी फाइनल कट पे शिफ्ट करना है। एक्चुअली में मैं घर वाले से ऐसे फ़ोन के लिए सिर्फ मैंने लिए थे, पर उसके बाद में जो भी हो कमीशन आर्टवर्क करके या फिर जो वॉल पेंटिंग्स मैं किया हूँ उससे कमा के मैं, मतलब जो बेसिक लैपटॉप तो स्कूल के लिए लगता था, इसके लिए लैपटॉप था मेरे पास पहले से। उसके बाद में You can give few tips to doodlers of the doodle community if you want. Doodle,
डूडल करने के लिए तुमको क्रिएटिव होना पड़ता है, जो हमेशा सेम सेम तुम डूडल नहीं कर सकते, कुछ क्रिएटिविटी लानी चाहिए। अगर तुम लोग ने मेरे ड्राइंग्स देखे तो मैं मतलब कोई एक सब्जेक्ट निकल उसके बाद जो मैं भी डूडल्स किया या फिर नॉर्मल डूडल्स, तो तुम लोग को वेरिएशन लाने की बहुत जरूरत है, ना तो ऑडियंस भी बोर रहेगी सेम सेम देख के, तो तुम लोग को चेंजेस लाने पड़ेंगे। फिर टाइम दे के पढ़ना जो भी है और तुम लोग का बेस्ट दो, वही मेरा टिप है और इतना कुछ है नहीं। एंड यू कैन टॉक अबाउट नूडल्स एक्चुअली, हाउ डिड यू लाइक, आर्ट तो तुमने बताया लेकिन नूडल तूने कब से स्टार्ट किया है? नूडल मुझे याद है मैं 10th में था, मेरे बोर्ड एग्जाम्स और तभी तो मैं इतना कुछ ड्राइंग नहीं करता था, पर मैं यूट्यूब देखता था और तभी मुझे वैक्स का चैनल देखा था, वैक्स मतलब जो बहुत पसंद आ गया था बंदा एक नंबर, मतलब ऐसा कुछ नया आर्ट टाइप दिखा था और मुझे बहुत इंटरेस्ट आ गया था। फिर GHC का दिखा, GHC का मुझे बहुत सारे ड्राइंग्स पसंद आए थे, वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करता था जैसे कि आर्टबुक और कस्टमाइज जो भी है, वो बहुत इंटरेस्ट आता है ऐसा देख के, ऐसा मतलब कस्टमाइज चीज अपने पास हो। तो बाद में मार्च तक मुझे गॉक्स का चैनल मतलब एक्सप्लोर पेज पे मेरे आता और फिर वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा, उसका एडिटिंग बहुत अच्छा लगा था फर्स्ट टाइम, और मैं भी गॉक्स से इंस्पायर तो हुई, वो अकाउंट नहीं है गॉक्स से इंस्पायर, सब लोग है उसका वीडियो देख के ऑलमोस्ट लोग बनाते हैं तो है। फिर उसके नेक्स्ट ने एक्चुअली मुझे डूडल में ज्यादा इंटरेस्ट दिया। And Gags, if you look at your previous stories, like you post on Instagram, you get a lot of commissions like murals and all. And what's the secret behind it? To get all these commissions? Secret तो है नहीं कुछ, अगर तुम लोग का एक drawing तुम लोग को मिला है और तुमने वो अच्छे से किया तो तुम लोग को और मिलते जाएंगे, वही है, तुम लोग अगर पहला अच्छा करेंगे और वो customer happy रहेगा, एंड में तुम लोग को दूसरे लोगों को माउथ प्रमोशन करेगा और फिर उनको भी इंटरेस्ट आएगा मेरे घर पे कुछ ऐसा यूनिक होने चाहिए, उससे मिलते गए कमीशन। मेरा एक राधा कृष्ण का वॉल पेंटिंग मैंने किया था, वो पहले मैंने दूसरे चैनल पे अपलोड किया था और वो थोड़ा थोड़ा बहुत वायरल गया था, भी डाले 2019 में। हां वो गुड़ी पड़वा के वो ग्लास पेंटिंग है ना, वो ग्लास पेंटिंग साता हिताची में जो फसाड पेंटिंग है तो वो की है, वो अभी भी करते रहते हो, मैं अभी जस्ट होली का हम लोग ने किया, होली और गुड़ी कर रहा था वो तो 2018 से हम लोग कर रहे हैं। आई थिंक योर सिस्टर सपोर्ट्स यू इन दैट टू। हाँ हाँ हम दोनों मिलके करते हैं, ग्रेट यू। तो वही इतना कुछ ऐसा सीक्रेट है नहीं कि हम लोग ऐसा कुछ पेड प्रमोशन है, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग जो सामने से ऑर्डर आते हैं वही हम लोग ऐसे किस पे जाते बोलते नहीं है कि हम लोग को चांस दो करने के लिए, ऐसा नहीं है। पहले तो हम लोग ने पहले घर पे एक्सपेरिमेंट किया, घर पे हम लोग के होने के बाद लोगों को अच्छा लगा। हाँ तो घर का होने के बाद ही बाहर के लोग भी देंगे ना, उन लोग के प्रायर वर्क पे ही रहता है। And if you can see through your profile, your doodles first were like inspired by Gox and Vex, and now you have developed your own style basically. Which is pretty good. Yes. वो तुम लोग को style develop करने पड़ती नहीं, तो तुम लोग का uniqueness रहता क्या दूसरों से? Vex का already लोग देख रहे थे, तुम लोग को क्यों follow करेंगे अगर उसको same चीज वहाँ पे भी दिख रहा है? कुछ पर्सनल कनेक्ट तो रहता नहीं है ऑडियंस के साथ, उन लोग कभी मिले नहीं है उनको, वो लोग जानते नहीं है तो क्यों फॉलो करेंगे? कुछ यूनिकनेस रहेगा तो ही वो लोग तुम लोग को फॉलो करेंगे ना, इसके लिए वो स्टाइल डेवलप करना बहुत इम्पोर्टेंट रहता ही है। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू शुड लाइक फ्रॉम माय पीओवी यू शुड ट्राई डिजिटल आर्ट। हाँ डिजिटल आर्ट मैं एक्चुअली करता हूँ पर मैंने ज़्यादा अपलोड नहीं किया क्योंकि मेरा ऐसा जब तक एकदम टॉप नॉच क्वालिटी नहीं रहती है तब तक मैं अपलोड नहीं करता हूँ, किसको दिखाता नहीं, सबसे बेस्ट जो रहेगा। और मैंने एक वीडियो भी मेरा प्लान है डिजिटल आर्ट का। सो कैक्स कैन यू इफ यू डोंट माइंड गिव 3 टिप्स फॉर मी। टिप्स फॉर यू, कीप वर्किंग हार्ड
स्टडी और दो दो बैलेंस करो. पहला प्रायोरिटी हमको स्टडी पे देने का, उसका टाइम मिलता है. मेरा भी 12th था, मैंने ब्रेक लिया तो टाइम देखे. ऑडियंस जाने नहीं वाली, अगर तुम लोग वो लोग तुमको सच में प्यार करते हो वो लोग रहेंगे. तुम लोग कितना भी ब्रेक लो, एल्गोरिथम थोड़ा बहुत फर्क करेगा क्योंकि अफेक्ट होएगा तुम लोग का पेज पे. पर पढ़ाई पहले इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी दो. ड्राइंग में प्रैक्टिस करते रहो. मैं तेरा ड्राइंग पहले से देखते रहो, इम्प्रूव हुआ है सच में, बहुत अच्छा इम्प्रूव हुआ है. पहले मतलब तू भी खुद कंपेयर करके देखेगा तो पहले से तेरा ड्राइंग बहुत अच्छा है. तो प्रैक्टिस मेक्स मैन भाई. And I recently started digital art. हाँ मैं देखा हूँ तेरे रील्स पर भी देखा हूँ मैं. तूने उसका वीडियो वीडियो भी डाल लिया है. वीडियोस के डिजिटल आर्ट. हाँ पर मैंने एक दो देखे थे बनाते हुए. तो डिजिटल आर्ट का भी हो ये, जब तक तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो अच्छा होने नहीं वाला. वो हम लोग को लगता है डिजिटली सब इजी हो जाता है, पर ऐसा नहीं, वो भी डिफिकल्ट रहता है. नहीं रहता है, अगर इजी रहता तो You got to work your ass off. Yes, yes. And Cats, thank you again for coming to the podcast. It was a great conversation with you. And it was a conversation with Kegsart. Thanks, Ben, for coming to the podcast. Thank you. Wow.